पंजाब पुलिस के एक बड़े अधिकारी की नीली बत्ती का रोब उस समय भारी पड़ गया जब ज्वालामुखी पुलिस ने इस पुलिस अधिकारी की गाड़ी के ऊपर लगी नीली बत्ती का चलान काट दिया। इस बीच पुलिस ने अधिकारी की नीली बत्ती का चलान काटते हुए नीली बत्ती को भी अपने कब्जे में ले लिया और साथ ही चलान के रूप में कुछ नकद राशि भी प्राप्त की। DSP ज्वालामुखी तिलक राज ने इस चलान की पुष्टि की है। पंजाब पुलिस के एक बड़े अधिकारी की नीली बत्ती का रोब उस समय भारी पड़ गया जब ज्वालामुखी पुलिस ने इस पुलिस अधिकारी के गाड़ी के ऊपर लगी नीली बत्ती का चलान काट दिया। इस बीच पुलिस ने अधिकारी को नीली बत्ती का चलान काटते हुए नीली बत्ती को भी अपने कब्जे में ले लिया है, साथ ही चलान के रूप में कुछ नगद राशि प्राप्त की है। DSP ज्वाला जी तिलक राज ने इस चलान बारे पुष्टि की है। दरअसल BIP कल्चरल खत्म होने के बाद भी कुछ अधिकारियों के अपने रुतवे व शौक नहीं हट रहे हैं, ऐसा ही वाक्य ज्वाला जी में देखने को मिला जब ज्वाला जी पुलिस ने मुख्य मंदिर मार्ग के पास PB11BW7474 नंबर की एक गाड़ी के ऊपर लगी नीली बत्ती का चलान काटा। दोपहर के समय बस स्टैंड के पास पुलिस चौकी के बाहर लगे CCTV कैमरे में चौकी के अंदर व बाहर खड़े ट्रैफिक कर्मियों की नजर उक्त गाड़ी पर पड़ी व उन्होंने गाड़ी के ऊपर लगी नीली बत्ती देखी तो पुलिस ने तुरंत वाहन चालक को रोककर उसके साथ पूछताछ की। इस दौरान ASI ट्रैफिक रवि दत्त ने वाहन में नीली बत्ती लगाए जाने पर उसके खिलाफ चलाने कार्रवाई की और अवैध रूप से लगाई गई नीली बत्ती भी गाड़ी से नीचे उतार कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। जब हमारे ट्रैफिक स्टाफ पे ASI ट्रैफिक चेकिंग कर रहे थे उस दौरान एक गाड़ी पंजाब की ऐसी पाई गई जो नीली बत्ती लगा कर यहाँ घूम रही थी ज्वालाजी शहर में, जिसे रोका गया। रोकने पर उसे पूछा गया नीली बत्ती लगाने का कारण, तो कारण कोई बता नहीं पाया, तो उसका नियमों के अधीन रहते हुए चलान कर दिया गया। नीली बत्ती उसकी उतरवा दी और चलान करके उसको भेज दिया। आइंदा भी अगर कोई ऐसा पाया जाएगा तो हम चलान करते हैं। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।